ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक प्रसिद्ध धर्म शास्त्र और योग शास्त्र भी है। माना जाता है महाभारत युद्ध के पहले भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट ज्ञान दिया था। भगवद गीता इसी का ही रूप है। इसके 18 अध्याय है, 700 संस्कृत के श्लोक है। ये सभी उपनिषदों का सार भी है। सर्व शास्त्र शिरोमणि भी है। ये सभी धर्म वालों के लिए और सभी उम्र वालों के लिए सदा के लिए उपयोगी है। ये विश्वास है कि भगवद गीता में सर्व समस्याओं का हल है, इसलिए प्रायः ये किताब सबके घर में रहते हैं। ये भी विश्वास है कि गीता का अध्ययन करने से सभी दुखों से छूट जाते हैं। खासकर जब घर में किसी की मृत्यु हो जाता है, 7 दिन का गीता का पाठ रखने से उस आत्मा को शांति मिल जाता है। पर प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि गीता का अध्ययन करने से या फिर उसका पाठ करने से दुख से छूटने के बजाय जीवन स्तर और ही नीचे चला जाता है। गीता का मुख्य उद्देश्य ही 5 विकारों पर युद्ध करके विजय प्राप्त करना, जैसे कि लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो, इन पर विजय पाना, आत्म उन्नति करना, अपने धर्म और कर्म को जानकर श्रेष्ठ कर्म सीखना आदि आदि। पूरा गीता ज्ञान को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ को समझकर इसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल अनुभव करते हैं। इसी उद्देश्य से भगवद गीता इन डेली लाइफ इसके टॉपिक पर हमने एक प्रेजेंटेशन रखा है। इसके मुख्य विषय होंगे स्वयं का पहचान, मानसिक स्वास्थ्य, परम सत्य का परिचय, सर्वोच्च शक्ति के साथ योग। भगवद गीता में भगवान ने जो बातें कही है उन्हीं बातों को लेकर के ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। इसके अलावा भी हमने भगवद गीता पर आधारित 18 टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशन बनाया है, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, सीक्रेट ऑफ कर्मा, कॉर्पोरेट गीता, लव एंड अटैचमेंट आदि आदि। अगर हम आगे के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, इस प्रेजेंटेशन को हम फिर से देंगे। मैं आप सभी को भगवद गीता इन डेली लाइफ के टॉपिक पर ऑनलाइन जूम सेशन के लिए निमंत्रण देती हूँ। ओम शांति।